है, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और ओके करेंगे। देखिए फॉर्मेट कंप्लीट बता दिया उसने, और ओके करेंगे और यहाँ पे कैंसिल कर देंगे क्लोज। अब आप देखेंगे इसमें ब्लू कलर फिल आ रहा है क्या, और उसकी पूरी मेमोरी भी खाली हो गई। देखिए 172 थी, 172 है पूरी। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखिए पूरा खाली है आपका, मतलब उसमें डाटा चला गया आपका। अब अपन ने तो उसे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो अपन उसे फिर से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे, अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आ जाएगा। अब अपन ने कॉपी किया हुआ था डाटा, तो अपन इसमें पेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपन कहाँ से करते हैं, फोल्डर से। इसमें था कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है आपका, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, और अपन यहाँ पे यही अपनी एच ड्राइव भी बता रहा है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल वी आप देंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर डाटा आने लगेगा आपका। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट करना आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर की ड्राइव को बफ कार्ड और पेन ड्राइव आदि को स्कैन करना। अब स्कैन करना है आपको, अब स्कैन करने के लिए पहले आपको सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ये साइन आ रहा है, मतलब इसमें एंटीवायरस है। किस कंपनी का है, एनपी एवी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आ रहा है एनपीवी का साइन, इसका फुल फॉर्म भी आपको इसमें बता देता है क्या है, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस है, वी मीन्स वायरस होता है इसका। नेट मतलब सॉरी, एन मतलब नेट, पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एंटी, वी मतलब वायरस। ठीक है, तो वहां पे बता देगा आपको। इसके बाद जब आप कंप्यूटर की ड्राइव को स्कैन करते हैं, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की ड्राइव ओपन करनी रहेगी, मतलब जहां पर ड्राइव है वो आपको ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क पीसी को ओपन करेंगे, आप देखेंगे सी ड्राइव है, सी ड्राइव में अपनी विंडो है, अपन इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एन पी ए वी स्कैन आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहां भी आपको इसी कंपनी का मिले, किसी और कंपनी का मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन देखेंगे, उसके लास्ट में आपको स्कैन लिखा हुआ मिलेगा, और नीचे आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे आपको सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, तो आप नीचे नहीं कर सकते, इधर पे है नहीं क्या, आ जाइए। और आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मिलेगा, वो तो सभी ड्राइव को स्कैन करने के लिए रहता है, कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए। एंटीवायरस से क्या होता है, जैसे आप कुछ कुछ डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके साथ वायरस आते हैं, वायरस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए अपन एंटीवायरस से स्कैन कर देते हैं, जिससे कि आपके डाटा के वायरस चले जाते हैं सारे। तो अपन अभी सी ड्राइव को करना चाहते हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक, पहले क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे आप, और ये एनपीएवी स्कैन पे क्लिक करेंगे और इसे यस करेंगे। तो इस टाइप से तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्कैन कर लेंगे किसको, ड्राइव को। अब पेन ड्राइव देखिए, आपने पेन ड्राइव होती है वो आप लगा देती हैं सीपीयू में, और उसी टाइप से आपकी ऑटोमेटिक स्कैन होने लगती है। सेम यही ऑप्शन देती है वो आपको, पेन ड्राइव ऑटोमेटिक स्कैन होने लगती है। और अगर नहीं होती है तो जैसे ही आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसका नाम आ जाएगा, फिर आप उस पर राइट क्लिक करके स्कैन कर लेंगे उसे। अभी आपको स्कैन हो रहा है, ये पूरी ग्रीन लाइन फुल हो जाएगी, तो उसमें टाइम लगेगा, अपन टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। अपन जैसे क्या कर देंगे, यहाँ से मिनिमाइज मिनिमाइज कर देंगे तो वो होती रहेगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर की रैम के बारे में जानकारी। हमने आपको फर्स्ट डे बताया था रिफ्रेश क्यों करते हैं अपन सिस्टम, क्योंकि जो रैम होती है वो अस्थायी रूप से मेमोरी लेती है। अभी अपन ने जितने भी प्रोसेस की है ना, वो अस्थायी रूप से उसने किसकी मेमोरी ली है, रैम की। अपन उसे साफ कर, मतलब रिफ्रेश कर देंगे तो वो खाली हो जाएगी। और हमने आपको बताया था रैम आपकी इस टाइप की होती है, रैम का काम क्या होता है किसी को पता है? देखिए हम बताते हैं, सबसे फर्स्ट काम तो रैम का पता है क्या रहता है, मॉनिटर को डिस्प्ले देने का रहता है। ठीक है, अगर आप ये गोल्डन कलर की पट्टी देख रहे हैं, इस पे दिख रही है आपको ना, और इस साइड भी है, और ये रैम है आप। अब इस रैम में अगर आपकी धूल आ जाती है,
जैसे आप लोग सिस्टम को बहुत दिन तक साफ, जैसे आपका ये टेबल है, टेबल को आप साफ नहीं करेंगे तो उस पर धूल आ जाती है। इसी टाइप से अपना सीपीयू रहता है, सीपीयू को अपन साफ नहीं करते हैं बार बार, कौन खोले उसे, करते हैं अपन 8 10 दिन में एक बार कर लेते हैं या फिर 1 महीने में एक बार कर लेते हैं। तो जब ज्यादा धूल आ जाती है आपके इसमें सीपीयू में, तो उसकी रैम पे धूल आ जाती है, और रैम पे धूल आ जाती है तो आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं देता है। ठीक है, एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा क्या होता है, रैम में नमी भी आ जाती है। नमी मतलब कि जैसे कि बरसात के दिन आती है तो अपन, जैसे कि आप देखते हैं घर में दीवार रहती है, अपन दीवार में वो सीट टाइप की आ जाती है, होता है ना, देखा होगा आपने शायद। तो अगर अगर उस जगह अपना सिस्टम रखा तो अपना सीपीयू में नमी आ जाएगी, और नमी के कारण भी आपकी रैम क्या हो जाती है, डिस्प्ले नहीं देती है। तो उसको निकाल के साफ करके फिर लगा देते हैं आप, जिससे कि वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाता है, साफ हो जाती है रैम, और फिर आपको सिस्टम को डिस्प्ले दे देती है। जब वो डिस्प्ले नहीं देती है ना, तो कीबोर्ड में भी लाइट नहीं आती, कभी कभी माउस में भी नहीं आती है। ठीक है, अभी देखिए दोनों में आ रही आती है, कीबोर्ड में भी है माउस में भी। तो अभी रैम चेक करना है कि कितनी रैम है आपके सिस्टम में। तो क्या करेंगे आप सभी को दिस पीसी नाम की एक एप्लीकेशन मिलेगी, विंडो 10 और विंडो 8 में दिस पीसी नाम से मिलेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम होती है, वो रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से शो हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडो 8.1 प्रो है, ये इस टाइप का उसका लोगो रहता है आपका विंडो 8 का। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल आर्डी कोर i3 है आपका यहाँ पे प्रोसेसर है i3। इसके बाद यहाँ पे देखा रैम बता रहा, रैम कितनी है आपकी 4 GB, और हमने बताया था आपको फर्स्ट डे जैसे कि 2 2 GB की आप इसमें दो लगाएंगे तो 4 GB हो जाएगा, और एक 4 GB की और एक 2 GB की लगाएंगे तो 6 GB हो जाएगा। तो जितने की आपकी रैम लगी होगी ना, वो आपको यहाँ पे बता देगा। फिर यहाँ पे सिस्टम टाइप, सिस्टम टाइप आपको कितने बिट का, 64 बिट का। अब ये क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मार्केट में मोबाइल 4 GB के मिलते हैं आपको, अब 5G चलने लगे हैं, चलते हैं, तो उस टाइप का ये सिस्टम बिट होता है। आपके दो टाइप्स के मिलते हैं लेकिन सिस्टम बिट, एक होता है 32, एक होता है 64। 32 में आप 32 के सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, 64 में आप 64 के सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। ये बिट कैसे चेक करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये टच है, मतलब ये टच है। आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, पेन एंड टच, आपने देखा वो टच वाला रहता है, अपन लिख देते हैं पेन आती है उसके, हाँ उसके लिए ये नहीं है, देखिए नो नो बता रहा है, नो पेन टच, मतलब ये नहीं है टच वाला, उसके लिए रहता है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जब अपन इसको क्या करते हैं, मतलब विंडो डालते हैं ना इसमें, तो वो कंप्यूटर नेम वगैरह ये सब पूछता है। फिर यहाँ पे बता रहा है विंडो इज एक्टिवेट, मतलब आपकी विंडो एक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब आपका मोबाइल कभी कभी अपडेट मांगता है तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। इसी टाइप से आपकी विंडो भी अपडेट मांगती है, मतलब एक्टिव उसे क्या करना है, अपडेट करना रहता है। तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, विंडोज एक्टिवेट, एक्टिवेट है, नहीं होती है तो कहाँ से पता चलता है, साइड में यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाता है, विंडो एक्टिवेट करके कुछ कुछ लिखा रहेगा आपका, तो आप समझ जाती है उसे एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट आपको हार्डवेयर की क्लास में सिखाया जाता है, आ जाएगा रैम चेक करना सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। चलिए, अब हमने जैसे आपको यहाँ पे टास्क बार की सेटिंग बताई थी ना, इस पर राइट क्लिक करके, तो हमने आपको कहाँ तक बता दिया था, इसके ऑप्शंस बता दिए थे। बाकी अभी हमने ये टास्क मैनेजर और ये भी बता दिया था, टास्क बता दिया था, ये लॉक वाला ये रह गया था। ये क्या होता है, टास्क मैनेजर होता है, जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कोई कोई सी एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है, तो आप टास्क मैनेजर से क्लोज कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल दबा के रखेंगे और सबसे फर्स्ट की रही दी गई एस्केप की, उसे प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ये टास्क मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टैली ओपन है, यहाँ पे देखिए टैली 9, तो टैली कितने बिट की है आपकी, 32 बिट, और अपना सिस्टम कितना है, 64 बिट। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड लिस्ट कर देंगे, एंड टास्क, तो वो आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। दो विंडो थी देखिए, हो गई क्लोज यहाँ पे। जब अगर आपको कोई सी एप्लीकेशन प्रॉब्लम देती है तो आप इसके द्वारा क्लोज कर सकते हैं। ठीक, और इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं कितने बिट के हैं। ओके।